साथियों, मैं एसएस महादेवय बोल रहा हूँ, महासचिव जनरल ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन। मैं बहुत दिन के बाद वो व्हाट्सएप में आप लोग का एक संदेश है सभी जीडीएस समुदाय से। देश में वो कल से 18/12/2018 से होने वाला अनिश्चित हड़ताल का संबंध में आप लोग का निवेदन करने के लिए ये मैसेज भेज रहा हूँ। साथियों, आप लोग का मालूम है हम लोग पिछली लगातार यही जीडीएस का इतिहास है, लगातार संघर्ष करके हम लोग कुछ तो कुछ हासिल करके आगे बढ़ रहा है। ये ट्रेड यूनियन में क्या मिला इसका नहीं बोलता, क्या नहीं मिला इसके लिए हड़ताल करके हम लोग जाता रहता है। साथियों, अभी हमारा बीच में बहुत मुद्दा है, हमारा मुद्दा खासकर जीडीएस सीनियर जीडीएस एम्प्लॉयज का ये और जूनियर्स का एक ही हो चुका है। हम लोग का भी वेटेज कुछ इंक्रीमेंट्स मिलना चाहिए और कमलेश चंद्र कमेटी में 10, 12, 24 इस तरह 3 प्रमोशन का बोला है। इसका रास्ता में हासिल करने के लिए अभी हम लोग लड़ना पड़ेगा। हम लोग का हर एक कभी टीआरसी का फिक्सेशन का संबंध में हमारा साथ नाजायज हुआ है। हम लोग का एरियर्स का कैलकुलेशन में गलत किया है, रेगुलर एम्प्लॉयज का डीए दिया है, हम लोग का एरियर में डीए नहीं दिया है। इस तरह बहुत जगह में है। ग्रेच्युटी आज हम लोग का 1,50,000 किया है, ये पेंशन एसडीबीएस में 10% नहीं किया है। इस तरह बहुत अनेक छोटा मोटा कुछ ऑर्डर्स आएगा आ सकता, परंतु हमारा चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, दूसरी लीव का एक्यूमुलेशन है, इत्यादि बहुत विषय हमारा सामने है। हम लोग 18 पॉइंट का लेके 10 चार्टर ऑफ्स मांग रखा है। आज देश में आईपीबीपी, आरआईसीटी, सीएसआई इत्यादि टेक्नोलॉजी का काम भी हम लोग कर रहा है। अभी डाक विभाग से हम लोग पिछले हफ्ता हुआ बात किया था, 600 डिवीजन शाखा ब्रांच शाखा ऑफिस छोड़ के देश में लगभग 1,29,000 ब्रांच ऑफिस में आईआरसीटी का हैंडल डिवाइसेस दिया है, इसमें हम लोग काम कर रहा है। परंतु हम लोग के साथ तो इंसेंटिव के बात करता है, हम लोग का ये जीडीएस का और जेसीए का संपूर्ण मानना है कि हम लोग एक इंसेंटिव का सिस्टम, एक शोषण का विधान है। हम लोग वर्कलोड करने के लिए मांग रखा है, सभी बीओ का कम से कम कितना बीओ में होता है, अभी 4 घंटा 5 घंटा है, पहले 1 घंटे का भी होता था, परिस्थिति अलग था। आज देश का इकोनॉमिक सोशियो सेक्टर में बदलाव आया है, देश का सोशियल स्थिति में भी बदलाव आया है। आज बहुत बीओ बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है, आज कुछ भी वो 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है। आज नेटवर्क नहीं इत्यादि में भी बहुत हम लोग जीडीएस जेल के काम कर रहा है, परंतु हमारा मानना है हम लोग का इंसेंटिव नहीं चाहिए। जीडीएस एम्प्लॉयज का 5 घंटा का ये सीलिंग हटा के 8 घंटा तक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं सीधा बोलता हूँ, हमारा हर वक्त हम लोग इसी लाइन पर लड़ाई करेगा नेचुरल जस्टिस के लिए। इसमें आज डाक विभाग में रेगुलर एम्प्लॉयज का और जीडीएस का बीच में डिपार्टमेंट 170 साल से परक बना के रखा है, हम लोग इस परक का निकालना के लिए हमारा लड़ाई हर वक्त। अभी कुछ प्रिंसिपल्स के लिए है, हमारा प्रिंसिपल यही है, हमारा मांग यही है, रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह हम लोग का भी 8 घंटा होना चाहिए, 8 घंटा का सभी सुविधा मिलना चाहिए। इस तरह बहुत हम लोग का सभी जायज डिमांड है, हम लोग डिजर्व डिमांड्स का अचीव करने के लिए हम लोग का ये संघर्ष का जरूरत होता है। संघर्ष का हमारा मानना है ये अन्याय का खिलाफत संघर्ष है, अंधेरा का खिलाफत एक दीप का जलन करने के तरह होता है। हम लोग कितना दिन लड़ेगा इसके ऊपर, कितना ये होगा इसके ऊपर हम लोग का जिंदगी में परिवर्तन आएगा। सब कुछ एक ही संघर्ष में भी नहीं होगा, परंतु हर कुछ कोई संघर्ष हम लोग का कोई प्रयास लड़ाई पानी में भी नहीं जाएगा। इसलिए इस बिंदुओं का लेके हमारा जायज मांगों का लेके कल 18/12/2018 से हम लोग हड़ताल पर जा रहा है।
आप लोग का मालूम है पिछले कुछ महीने से हम लगातार काम कर रहा है, सरकार का बहुत लेटर लिखा है। हम लोग इसका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस सर्कल कॉन्फ्रेंसेस में पिछले हफ्ता 10-11 दिन के अंदर हम लोग ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करके आया है। हर वक्त हम लोग घूम के इसका देश का इस हड़ताल का तैयार किया है। इसमें हम लोग का मालूम है हमारा सभी मुद्दे रखा है, सभी 2,50,000 कितना जीडीएस को सभी जीडीएस का ध्यान में रखे रखा है। एक बात तो हम लोग देखना होगा, आज हम लोग का एक मेडिकल सुविधा नहीं मिला है। इस देश में कोई ग्रामीण डाक सेवक का परिवार कभी भी बीमार नहीं होता, यही है सरकार का मानना है। हम लोग का कुछ इस संबंध में कुछ नहीं बनाया है, इसमें हम लोग कुछ हासिल करना है। ये ट्रेड यूनियन का संघर्षों का ये क्षमा नेताओं ने सिद्धांतों के द्वारा श्रम सिद्धांतों का पिलासा पर्स क्यों कार्ल मार्क्स लेके डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तक को किधर हम लोग का शोषण होता है, किधर हमारा खिलाफत जुर्म होता है, अन्याय होता है, इसका खिलाफत तो संघर्ष शुरू करना है, संघर्ष लड़ाई करना है। लड़ाई किए वो तो लोगों के बीच में एकता आएगा। संघर्ष का पहले एकता नहीं आएगा, हम लोग संघर्ष का जाने के बाद तो एकता शुरू होगा। इसलिए साथियों इस सिद्धांतों का हम लोग विश्वास रख के जा रहा है। हम लोग आप लोग का मालूम है समस्त जीडीएस समुदाय के लिए हम लोग निवेदन करके पिछली दुनिया में भारतवर्ष में 16 दिन का अभूतपूर्व लड़ाई हम लोग जीडीएस ने किया है और एक लड़ाई का हम लोग तैयारी करके आप गया है। इसमें हमारा भूमिका बहुत बड़ा है आप लोग सभी जीडीएस से, इसलिए होने वाला इसमें हम लोग भी जीसीए बनाए हैं। हमारा अकेला संगठन नहीं है, सभी हम लोग इवन रेगुलर एम्प्लॉयज का फेडरेशन एनएफपीओ एफएनपीओ बीएमएस का भी हम लोग निवेदन किया है। हम लोग जीडीएस का संघ न्याय के लिए लड़ाई कर रहा है, इसलिए कोई इसका नेगेटिविटी दिखाना मत। मेरा हो सकता आप लोग समर्थन करें, हो सकता आप लोग सीधा हमारा संघर्ष में भाग ले, ये हमारा संघर्ष समस्त जीडीएस को होगा। हम लोग कैसे विभिन्न परिस्थिति में लड़के बोनस का हासिल किया है और कुछ बहुत कुछ हम लोग बोल सकता, परंतु इसका जीडीएस के लिए कितना भी हम लोग का बहुत कमी है। आज एक हम लोग मेरा मानना है आज अमावस्या रात को आकाश को देखा वो तो नक्षत्रों का गिनती नहीं कर सकता, इसी तरह आज हमारा समस्या भी ऐसे है। इसके लिए हमारा जिंदगी में एक सूरज आना है, इस सूरज मतलब है हम लोग 8 घंटा ये रेगुलर जिसका रख के हम लोग जा रहा है। ये क्रूशियल समय है, हम लोग लड़ाई तो किया है, इसके लिए प्रशासन अडमेंसी है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ इसका हमारा बात मानने का तैयार नहीं है। ये लोग जीडीएस का एक अलग विचार से देखता, उनको बिना चारा बिना खाना न देते हुए दूध देना ब्याज समझ रहा है। इसलिए साथियों हमारा अधिकारों के लिए हमारा देश का जनता हमारा मालिक है, हमारा विभाग का मालिक देश का जनता है, उनके साथ में हम लोग चल के प्रयास करके उनको समर्थन से हम लोग आगे बढ़ना है। लोग का समाज ने मुझे सोशल रिकॉग्निशन दिया, मतलब सामाजिक मान्यता है मुझे देश में। ग्रामीण डाक सेवक मुझे बोलता है हम लोग डाकिया है, हम लोग का बोलता है मुझे बीपीएम में मैं शाखा डाकपाल है, पोस्टमास्टर वो बोला जाता है। इसलिए चाहती हूँ हम लोग का ये भी मान्य है, हम लोग डाक बाबू है। इसलिए इसके लिए समाज ने दिया गया मान्यता के लिए सरकार से मनवाने के लिए बहुत प्रयास करना है। मैं इस संदेश के कोई कमेंट नहीं चाहिए, मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ना सुनना नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक अपील है हम लोग शोषित वर्गों का ये लड़ाई के लिए लड़ रहा है। हो सकता मेरा में 50 गंती आप लग के कुछ गिर से इससे कोई नहीं, आज हम लोग का संगठन का जरूरत है हमारा मांगों का लेके लड़ाई करने से ही में लड़ाई में हम लोग साथ देना होता है। आपका कोई सागर सभी नदियों का सभी जल शोधों का उद्देश्य होता है समुद्र में सम्मिलित होना, समुद्र में सम्मिलित होने में कोई समुद्र वापस नहीं भेजेगा। इसलिए साथियों हमारे इस संघर्ष का समुद्र में इस संघर्ष में प्रहाव में हम लोग
आगे बढ़ना है, सभी जीडीएस सुविधाएं का लेके बढ़ना है। इसलिए कल से होने वाला हड़ताल बहुत आम इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरा निवेदन करता हूँ सभी मांगों के लिए, सभी जीडीएस का है, इस संबंध में मांगों के लेके कुछ स्वार्थ तत्वों ने कुछ गलत तत्वों के द्वारा अफवाह चलाता है, गुमराह करवाता है। ये समस्या नहीं है, वही समस्या नहीं, व्यक्तिगत का कीचड़ चलाने को कोशिश करता, ये होना नहीं चाहिए। हमारा बड़ा मकसद जीडीएस का कल्याण के लिए, हमारा सर्विस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारा संघर्ष जो ये कुछ इंक्रीमेंट के लिए, हमारा संघर्ष प्रमोशन के लिए, हमारा संघर्ष ग्रेच्युटी में करी। हम लोग इतना डिपार्टमेंट को 40 साल 35 वर्ष सेवा देने के बाद, खून देने के बाद हम घर जाने में कम से कम मेरे को कुछ पैसा लेके हमारे परिवारों का देना है। बदला हुआ इस समाज का स्थिति के अंदर ये बहुत जरूरी है। हम लोग आसमान नहीं मांग रहा है, हम लोग आम का पेड़ नहीं मांग रहा है, हमारा बगीचा में हम लोग मांगा गया हमारा खेती के हमारा मेहनत से उगला हुआ हमारा आम बगीचा का आम का पेड़ के अंदर ये काम का एक पीस हम भी मेहनत करके इसका आगे बढ़ाया है। इसलिए इसका हमारा मांग बहुत छोटा है। हमारा साथ 170 साल का इतिहास है। मैं तो कल परसों आया हुआ आदमी है साथियों, इसमें मेरी आपकी जैसा बहुत तो लाखों लोग काम करके गया, कोई कुछ लेके नहीं गया। इसलिए इस हड़ताल में आप लोगों हर एक जीडीएस के साथ इस संदेश का लेके, हर एक जीडीएस इस संघर्ष में भाग लेने के लिए आप लोगों इसका प्रचार करो, इस संदेश का लेके हर जीडीएस का भी साथ में ले लो। पिछली बार भी एक 10-15% भाग नहीं लिया, परंतु उनको पे कमीशन मिला है, कुछ तंका बढ़ा है, परंतु हड़ताल में भाग नहीं लिया था। फिर भी हमारा लड़ाई सभी समस्त जीडीएस को होगा, इसका लाभ सभी का मिलेगा। इसलिए इस संघर्ष में सभी हाथ मिलाने के लिए मैं निवेदन करने के लिए इस संदेश भेज रहा हूं। इसलिए आप लोग का मेरा विनम्र निवेदन है, इसमें कमिट के लिए नहीं भेज रहा हूं, हम लोग नेगेटिविटी के लिए नहीं भेज रहा हूं। कल से होने वाला हड़ताल को आप लोग सहयोग करें, ज्यादा फोन करने का व्यक्तिगत बात करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि हम लोग भी व्यस्त है, बहुत काम होता है, 2-3 फोनों में हम लोग संभालना होता है। इसलिए साथियों हम लोग आगे कल से होने वाला हड़ताल को सफल बनाने के लिए आप लोग भी प्रयास करो, और एक जीडीएस भी एक जनरल सेक्रेटरी की तरह काम करो। आप लोग आपके जनप्रतिनिधि मिलो, आप लोग कितना दबाव कर सकता कल से करने का कोशिश करिए। कोई ट्रेनिंग हो सकता, कोई डिपार्टमेंट प्रोग्राम रखा, कोई प्रोग्राम में कोई ट्रेनिंग में कल से हमारा जीडीएस शामिल नहीं होगा, ये बोलते हुए मैं आशा के साथ हूं कल का हड़ताल आप लोगों को सफल बनाएगा करके, आशा के साथ सफल तो होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लेने के लिए मैं निवेदन करते हुए मैं बात समाप्त करता हूं। जीडीएस का एकता जिंदाबाद, जीडीएस मजदूर का एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।